इसी बीच उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है, जहां अनियंत्रित बस पलटी है। जानकारी मिल रही है, हादसे में करीब 12 यात्री घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन से इंदौर जा रही थी बस, उस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। तो इंदौर रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर उज्जैन से, जहां अनियंत्रित बस पलटी है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिल रही है, 12 यात्री घायल हो गए हैं। उज्जैन से इंदौर जा रही थी बस, उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। इंदौर रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बस क्षतिग्रस्त हो गई है और इस हादसे में करीब 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं। जी कमलेश, अनियंत्रित बस पलटी है, क्या कुछ जानकारी, अभी कैसी स्थिति है वहां पर? ये उज्जैन से इंदौर की ओर ये बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस है, जो निरंतर संचालित होती है। यहाँ से उज्जैन से इंदौर की ओर जा रही थी, जिसमें लगभग 25 से 30 यात्री बैठे थे। और ये यहाँ पास ही में मैकडूथ होटल है, उसके सामने डिवाइडर से बस टकरा गई और बस पलटी खा गई, जिसमें करीबन लगभग 11 से 12 यात्री वहीं घायल हो गए। और किसी को गंभीर चोटें तो नहीं आई है, लेकिन उसमें से कई यात्रियों को, 5-6 यात्रियों को सीएचएल अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और बाकी को शासकीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी मौके पर अभी कोई अधिकारी पहुंचा है? मौके पर सभी समस्त अधिकारी, पुलिस के आला अफसर सभी पहुंच चुके हैं और वहां का मुआयना कर रहे हैं और पुलिस उसको जांच में ले रही है। और बस जो पलटी खाई है, पता चला है कि ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। जी कमलेश, जैसे की जानकारी मिल रही है 12 यात्री घायल हो गए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो संख्या है वो और बढ़ सकती है? नहीं, 12 यात्री में कोई संख्या ऐसा तो कोई लग नहीं रहा है, बाकी सब नॉर्मल उपचार करके सभी कुछ हो गए हैं। 12 यात्री जो है, जो कि अस्पताल में एडमिट है, उनका उपचार जारी है। किसी प्रकार का कोई भी एक भी यात्री नहीं है जिसको गंभीर रूप से घायल हुआ है। हाँ, एक यात्री का ये भी सूचना मिली है कि उसे इंदौर रेफर किया गया है।